तो दोस्तों आप लोग के मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि 20 से 30 हजार के रेंज में कौन सा फोन आप लोग को अच्छा मिलने वाला है, जिसको आप अच्छी तरह से यूज करो, जिसका सीपीयू अच्छा हो, रैम अच्छा हो, प्लस डिस्प्ले भी अच्छा हो और डिजाइन भी सब कुछ अच्छा हो फीचर के साथ आप लोग, ताकि आप फोन खुद भी यूज कर सको या किसी को गिफ्ट भी दे सको, आपके भाई या आपके गर्लफ्रेंड को, क्या बोला तूने, जिसको भी देना हो उसको दे सकते हैं आप। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोना। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। तो हम लोग इसी वीडियो आप लोग को बताने वाले हैं अलग अलग फोन के बारे में जो 30 हजार के रेंज के नीचे होने वाले फोन। तो दोस्तों वैसे मेरा नाम है प्रशांत जसवाल, तो चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले मैंने पहला फोन आपको बताने वाला हूँ, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट फोन जो है मोटो H40। इस फोन में मोटोरोला ने काफी यूनिक फीचर्स दे रखे हैं। 144 हर्ज रेट रिफ्रेश रेट के साथ इसका डिस्प्ले दिया है। कैमरे की बात करो तो कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने ही वाला है इसके अंदर। कैमरे से आप लोग को पता है अच्छा वीडियो अच्छा फोटो निकाल सकते हैं आप। IP68 का रेटिंग इन्होंने दिया है कंपनी ने, तो मतलब थोड़ा सा पानी पीने से भी बचा रहेगा फोन, अगर कहीं बारिश बिरिश में भीग गए घूमते घूमते समय तो भी ठीक ही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सीपीयू की बात करें तो सीपीयू इसके अंदर लगा MediaTek Dimensity 8200, तो बेहतरीन प्रोसेसर ये रहने वाला है। इस प्रोसेसर से आप अच्छे फंक्शन भी यूज कर सकते हो, मतलब जैसे गेमिंग बाकी सब चीजें अच्छे फीचर्स के साथ ही आपको फोन मिलने वाला 30 हजार के नीचे ही। अगर इस लिस्ट में मैं आपको दूसरे फोन की बात करूं तो IQ Neo 7, ये फोन बहुत बेस्ट रहने वाला है। मैं ऑल टाइप जो गेमर्स होते हैं उनके लिए फोन में रिकमेंडेड करने वाला हूँ, तो गेमिंग के लिए काफी अच्छा फोन ये रहने वाला है। इसके अंदर भी प्रोसेसर लगा MediaTek Dimensity 8200, जैसे मोटो H40 के अंदर भी लगा था, इसके अंदर भी वही सीपीयू लगा है। 6.70 इंच 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ इसका डिस्प्ले लॉन्च किया कंपनी ने। भाई बैटरी की बात करें, बैटरी इसके अंदर लगा 5000 mAh की, बाकी इसके अंदर दिया कूलिंग फंक्शन, परफॉर्मेंस, गेमिंग, बाकी सब चीजें बहुत सारी है इसके अंदर। बाकी सभी चीजें के लिए ये फोन एकदम परफेक्ट बैठने वाला है। ये भी फोन आपको 30 हजार के अंदर ही मिल जाने का। अगर आप लोग को गेम खेलने में इंटरेस्ट है तो आप ये फोन खरीद सकते हो, IQ Neo 7। ट्राई करके आप लोग जरूर देखना। अगर हम आगे बढ़े इस लिस्ट के अंदर तीसरे फोन की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी F54 5G है। ये फोन आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है। तो इसके अंदर जो प्रोसेसर लगाया सैमसंग ने, सैमसंग एक्सोनास 1380 लगाया, ये भी अच्छा प्रोसेसर है। 6.7 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ लॉन्चेस किया है। आपको पता है सैमसंग हरदम ज्यादातर ही फोन एमोलेड डिस्प्ले भी लॉन्च करता है। एमोलेड डिस्प्ले से आपको अच्छे पिक्चर क्वालिटी मिलती है। कैमरे की बात करो तो कैमरा इसके अंदर 108 मेगापिक्सल का लगाया है, तो पिक्चर क्लिक के लिए, वीडियो शूटिंग के लिए, या आपको रील्स निकालते हो तो रील्स के लिए भी अच्छा है। तो क्या नाचोगे? इस फोन की और एक खास बात करें तो इसके अंदर कंपनी ने 6000 mAh की बैटरी दी है। ये अच्छे फीचर के साथ कंपनी ने इसको 27999 तक लॉन्च कर दिया है। आप इसको भी ट्राई करके देख सकते हो। आगे बढ़े नेक्स्ट फोन की तरफ तो Poco F5 Pro। पोको ने इसे इंडिया के अंदर स्नैपड्रैगन 7 प्लस सेकेंड जनरेशन के अंदर लॉन्च किया है। अच्छी परफॉर्मेंस का इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है सीपीयू का। बाकी यार इसके मदरबोर्ड की बात करें तो मदरबोर्ड कोई गारंटी होती नहीं है पोको की, पर इसका सीपीयू और रैम बहुत ही परफेक्ट है। ये भी आपको फोन 30 हजार के अंदर ही मिल जाएगा। इस लिस्ट के अंदर मैं और एक फोन की बात करूँ तो ये एक इंडियन ब्रांड है, आपको बताने वाला हूँ, आप लोग समझ गए होंगे, गेस करना जरूर। जी मैं बात कर रहा हूँ लावा अग्नि 2 की, जो कुछ दिन पहले भी लॉन्च हुआ था। ये बहुत ही बेहतरीन फोन है। मैंने अभी जो बताया था अभी तक आपको फोन, वो 30 हजार के थे, पर मैं आपको ये फोन बताया लावा अग्नि 2, ये 20 हजार के अंदर आपको अच्छे फंक्शन देता है। प्रोसेसर जो लगा है MediaTek Dimensity का 7050, इतने ही रेंज के अंदर आपको अच्छा डिस्प्ले मिल रहा है, अच्छा डिजाइन मिल रहा है, अच्छा सीपीयू मिल रहा है, बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है। डिजाइन अच्छा है, डिस्प्ले अच्छा है। लावा का कहना है कि 1 ईयर तक होम रिप्लेसमेंट वारंटी देने वाला है लावा कहता है। तो कम बजट के अंदर 20 हजार तक के रेंज के अंदर का ये फोन बेहतरीन रहने वाला है, इसको भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो आप लोग बताना इसमें से आप लोग का फेवरेट फोन कौन सा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, अपना फीडबैक देना। जाते जाते दोस्तों वीडियो लाइक कर देना, वीडियो शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए जय हिंद।